हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साहिन ब्यूटी। अब अगर आप सैलून पार्लर वगैरह में जा रहे हो अपना इंगेजमेंट मेकअप को लेकर, तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगी घर पर ही आप अफोर्डेबल तरीके से मेकअप कर सकते हो विदाउट महंगे महंगे प्रोडक्ट के, आप इजीली अपने घर पर कर सकते हैं। तो चलिए जी, जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, जमकर फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलती है ढेर सारी इंस्पिरेशन। एंड वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे हर वीडियो हर अपडेट आपको मिलती रहे, वो भी फ्री में। तो नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जल्दी से कर लीजिए अपनी स्किन को मॉइस्चराइज। मॉइस्चराइज चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी, आपको लगाना ज़रूरी है। और मैं गुड वाइब्स का ले रही हूँ यहाँ पर स्किन ग्लो सीरम, तो कुछ इस तरह से लगा लूँगी यार। ग्लोइंग स्किन चाहिए इंगेजमेंट हो या फिर वो शादी रिसेप्शन, देखने तो लड़की वालों को ही आती हैं, राइट ना। चलिए जी, अच्छा कुछ इस तरह से लगाने के बाद अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पर कंसीलर। ऑलरेडी देख सकते हो कंसीलर किस लिए, आईब्रोज़ को आपको फिक्स करता है, जिससे कि आपको आईब्रोज़ को हाईलाइट करता है और जो आईब्रो टच होता है आपका परफेक्ट एंड इवन आता है, कुछ इस तरह से अगर आप कंसीलर लगाएंगे। अब कंसीलर स्टिक लेकर मैं कुछ इस तरह से करूँगी हाईलाइट। अगर आपके दाग धब्बे, पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो आपको ज़रूर करना है, ये स्किप नहीं करना है आपको। और इससे अपने फेस को ग्लो भी देना है और हाईलाइट पॉइंट भी कर देता है। तो कुछ इस तरह से आप एक ब्यूटी ब्लेंडर ले लीजिए और इसको ब्लेंड कर लीजिएगा, अगर नहीं हो तो ब्रश से भी कर सकते हो। अभी लिया है मैंने फाउंडेशन। फाउंडेशन इस तरह से लगाना है आपको डॉट्स क्रिएट करते हुए। अगर आप ऐसे लीपा पोती करेंगे तो आपका इवन नहीं आएगा भाई, पहले से भी बता देती हूँ मैं। और अच्छे से इसको ब्लेंड कीजिएगा। फाउंडेशन ग्लोइंग मेकअप के लिए ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। अभी लिया है मैंने लूज पाउडर, आप इसकी जगह कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हो जो भी आपके पास हो, जिससे कि हमारे फेस पर क्रीज ना पाए। और फिर लेना है आपको सेटिंग स्प्रे, जिससे कि मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अभी ले रही हूँ मैं ब्राउन कलर का शैडो अपने पैलेट से और इसको लगा रही हूँ कट क्रीज पर। लगा लीजिएगा, अगर आपका मेकअप परफेक्ट होता है ना तो आपको देखने वाले देखते ही रह जाते हैं जी हाँ। अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा। और अभी मैं ले रही हूँ हल्का शेड उसी में ब्राउन से, थोड़ा सा हल्का, और ये मैं अच्छे से स्मच करते हुए अपने आँखों के ऊपर लगा रही हूँ, कुछ इस तरह से लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा आसानी से। लिया मैंने गोल्डन शेड और अब तो ऑलरेडी ही देख सकते हैं मैंने जो ड्रेस पहन रखा है वो ब्लू एंड गोल्डन है, तो मैंने फिंगर टिप की मदद से कुछ इस तरह से लगाया और एक फ्रेश ब्रश लेकर मैंने इसको अच्छे से स्मच कर लिया और क्लीन कर दिया, जिससे कि एक्सेस आपका जो भी लगा हुआ हो प्रोडक्ट वो निकल जाएगा। और अभी मैं कर रही हूँ इनर कॉर्नर को हाईलाइट। और एक लेना है आपको लाइनर पेन, मैंने ये लिया है, अगर आपके पास जेल वाला हो वो भी चलेगा, जो भी हो वो चलेगा। ज़रूरी नहीं कि मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ आप भी वही कीजिएगा, थोड़ा सा बिंग क्रिएट कीजिएगा और आँखों को बना दीजिएगा फ्लॉलेस एंड गॉर्जियस, की नज़रें आपसे ना हटने पाएँ। चलिए जी, अभी लगा लेते हैं काजल। और काजल के बाद मैं जो ब्राउन शेड लिया था मैंने अपनी आँखों को ऊपर लगाया था वही ब्राउन ब्रेडफिनर्स मैंने लगा लिया। अभी मैं अपने अपने आईब्रोज को फिक्स करके एक कॉम कर लेती हूँ। कॉम करने से आपकी आईब्रोज फिक्स हो जाएंगे। अब कंटोरिंग तो बहुत ज़रूरी है भाई, अपने फेस को कॉन्टोर करके फ्लैट जो बनाना है, जो देखने वाले कहें क्या लड़की क्या चुन के लिए, तो आपको स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही लगाना। और फिर जल्दी से लगा लीजिए हाईलाइटर। ये हाईलाइटर तो अगर आप खड़े हो जाओ तो लाइट में भी चमकनी चाहिए। ट्रीटमेंट में तारीफ तो सिर्फ और सिर्फ आपकी होनी चाहिए ये वीडियो देखने के बाद, भाई ऐसा करना है आपको मेकअप। और जल्दी से लगा लीजिए अपने मस्कारा। और मैंने यहाँ पर यूज़ किया फाल्स लैशेस। और अब आपको एक लिपस्टिक और उसके ब्रश से पहले, सबसे पहले जो चीज़ है आपको अपने लिप्स पर शेप देना है, उसके बाद आपको फिल करनी है। यूं ही डायरेक्ट भरकर नहीं लगाना, क्योंकि स्पेशल ओकेजन है तो स्पेशल लगनी भी चाहिए आपको। और जी हाँ, आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक गाइज। तो अभी से जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए वो भी बताइएगा। यार लाइक तो कर ही दिया होगा ऑलरेडी आपने, क्योंकि मैंने मेहनत जो इतनी सारी की है आप लोगों के लिए, तो लाइक तो और एक शेयर तो बनता ही यार। तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में और जाकर जल्दी से प्यारे प्यारे अपने कमेंट्स दीजिएगा।